वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद लगातार जारी है। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर में सर्वे का जमकर विरोध हुआ। सर्वे टीम का कहना है कि उन्हें मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बैरिकेडिंग कर सर्वे टीम को रोक दिया। हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर साफ है। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पर आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा नहीं। क्या हो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद के बीच मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा कुछ और है। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद के भीतर जाने की बात नहीं कही है, इसलिए सर्वे टीम के मस्जिद में जाने का विरोध हुआ है। यार नहीं हुआ, कुछ ऑर्डर नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, हमने नहीं देखा, कोर्ट ने नहीं करने दिया। क्यों रोका गया कार्रवाई? कुछ नहीं रोका। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के करीबियों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सुमन कुमार के घर से करीब 17.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ हुए छापेमारी में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद किए गए। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है, कई फ्लैट में निवेश के सबूत मिले। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जलील नाम का आरोपी भीड़ में अवैध तमंचे से गोली चलाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, जबकि तबरेज और अनाबुल का हिंसा में एक्टिव रोल था। क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया है। लाउडस्पीकर को लेकर जारी घमासान के बीच अब अभिनेता सोनू सूद का बयान सामने आया है। सोनू सूद ने कहा कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद पर दुख है। जिस तरह से लोग अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर जहर उगल रहे हैं, उसे देखकर दिल टूटता है। सोनू सूद ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा है कि ये वो समय है जब हमें बेहतर भारत के लिए साथ आना होगा, हमें धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़ना होगा। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 1407 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 4.72% है, जबकि एक्टिव केस 6000 के करीब है। आज से बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। सुबह जय बद्री विशाल उद्घोष के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल गए। सुबह 6:15 कपाट खोले गए और गर्भगृह में सुबह 9:15 पूरे परंपरागत रीति रिवाज से बाबा बद्रीनाथ की पूजा और आरती होगी। बद्रीनाथ धाम को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया सवारा गया है। पहले दिन करीब 15,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे।